इंडिया ने याद कर दिया जी अपना तीसरा मिसाइल जो स्पेसशिप जा रहा है चांद पे, आपने क्या किया उसके जगह पे अपना एक बड़ा सा बाजा निकाल दिया जिसके ऊपर मेम बन रहे हैं हम लोगों की जलालत हो रही है सोशल मीडिया के ऊपर। ठीक है, देखें आप इंडिया से तो कंपेयर कर नहीं सकते, तो अगर इस तरह की आजादी है, एग्जांपल मैं कंप्लीट कर लूँ, अगर इस तरह की आजादी है तो फिर इस तरह की आजादी हमें नहीं चाहिए, फिर आप हमें इंडिया से वापस मिला दें। अच्छा, एग्जैक्टली इंडिया से वापस मिला दें तो शायद एटलीस्ट हम लोग तरक्की याफ्ता तो होंगे ना यार। इंडिया में जो है वो जमहूरियत अच्छी तरह से डेमोक्रेसी आई और इवन एक चाय बेचने वाला भी वहाँ पे प्राइम मिनिस्टर बन गया, जो कि पाकिस्तान में प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है क्योंकि यहाँ पे सारा कुछ प्री प्लान्ड है और सारा कुछ स्पेसिफिक हाथों में है जिसके आप इस्टेब्लिशमेंट का नाम दे सकते हैं। आई डोंट नो कहाँ का मैगजीन था, यूएस का था, उस पर लिखा था पाकिस्तान फॉर सेल, पाकिस्तान फॉर सेल। पाकिस्तान फॉर सेल क्यों लिखा था? आपका एयरपोर्ट गिरवी है, आपकी बंदरगाहें गिरवी हैं, ठीक है, आपकी जो ग्वादर पोर्ट है वो गिरवी है, मोटरवे गिरवी है, ठीक है, फिर आपकी कुछ बिल्डिंग्स हैं वो गिरवी पड़ी हुई हैं। यार गिरवी से अगर आपने मुल्क चलाना है तो फिर आप आजाद नहीं है। पाकिस्तानी कौम जो सी है ना प्यार से इन डंडे से मानती है, ठीक है। तो दूसरी बात की बाजे ने मुल्क नहीं आजाद कराया, हुकूमत को चाहिए कैंडली ये बाजा बंद कराए, इसको पाबंदी ऐसी लगाए जैसे डोरबाजी पे, पतंगबाजी पे, बम पटाखों पे, ठीक है, बम पटाखे वो बड़े नहीं कह रहे, छोटे जो लोग चलाते थे उस पे, और बाजों पे पाबंदी लगाई जाए खास तौर पे। बात भी हो रही है, ये देखे ये जाहल वाम है पाकिस्तान की, ये पढ़ा लिखा पर जाहल है। भाई जान बात सुने एक मिनट, क्या वजह है, मतलब ये आजादी मनाई जा रही है ये बाजा? भाई ये खुशी है, अच्छा खुशी है, पाकिस्तान आजाद हुआ है कोई ये जरूरी नहीं है, हर इंसान की अपनी खुशी है, जिसकी अपना तरीका है खुशी मनाने का। बच्चों की इतने बच्चों की इजाजत है, जेब इतनी इजाजत देती है, वो वाजा लेकर वाजा बजा के। जय हिंद दोस्तों, आजादी के 76 ईयर बाद भी पाकिस्तान आज नारे लगा रहा है कि पाकिस्तान से जिंदा भाग। कुछ समय पहले तक पाकिस्तानी पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते थे, लेकिन अब पाकिस्तान से जिंदा भाग के नारे क्यों लग रहे हैं? वहीं पे पाकिस्तानी यूथ क्यों घर वापसी करना चाहते हैं, इसी के ऊपर ये पूरा रिएक्शन वीडियो है। रियल एंटरटेनमेंट टीवी शोएब चौधरी का ये वीडियो है, आप इसे एंड तक जरूर देखिएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। लेकिन अभी जो आप नारे की बात करें जिंदा भाग, बींग अ पाकिस्तानी भी अगर पेट्रियोटिज्म की बात करें तो हम भागेंगे नहीं, लेकिन आप आजाद नहीं। अच्छा, आप कहें ना कि आप पाकिस्तान में रह रहे हैं और आप आजाद हैं, आजादी हमें नहीं है, हमें किसी चीज की आजादी नहीं है। ठीक है, आप देखें कि आपके मुल्क के साथ जो हो रहा है, जिस तरह से महंगाई की शरह बढ़ रही है, जिस तरह से चोर चोर के नारे लग रहे हैं, ठीक है, और जिस तरह से आपका गरीब पिस रहा है, अमीर अमीर होता जा रहा है, गरीब गरीब होता जा रहा है, और जिस तरह से महंगाई की शरह बढ़ रही है, ठीक है, तो आप अपने आप को समझते हैं आप आज़ाद हैं? आपको किसी चीज़ का फ्रीडम तो है नहीं, आप ना खुल के बोल सकते हैं, ना आप खुल के जी सकते हैं, और ना आप खुल के सांस ले रहे हैं, किस चीज़ की आज़ादी है मुझे तो ये बताएं। पहली बात तो मैं इससे डिसएग्री करूंगा कि आप अगर आज़ादी का दिन मना रहे हैं तो पहले अपनी चीज़ों को ठीक करें, जब आप ठीक हो जाएं फिर आप आज़ादी मनाएं। अभी हम आज़ाद नहीं हैं, इंडिया के साथ तो आप अपने आप को कंपेयर ना ही करें। आप इंडिया की इंडस्ट्री देखें, इंडिया में आपकी गाड़ियां बन रही हैं जी, इंडिया में आपकी आईटी इंडस्ट्री पूरी ऊपर चली गई है। बिल्कुल। आपके यहाँ पे क्या है, आपके आपके जो हुक्मरान है उन्होंने आपको रोटी कपड़ा मकान, कोई हुक्मरान आ रहा सबसे पहला नारा रोटी कपड़ा मकान, ऐसा ही है, रोटी कपड़े मकान से निकल ही नहीं रहे, ठीक है। इंडिया ने याद कर दिया जी अपना तीसरा मिसाइल जो स्पेसशिप जा रहा है चांद पे, आपने क्या किया उसके जगह पे अपना एक बड़ा सा बाजा निकाल दिया जिसके ऊपर मेम बन रहे हैं हम लोगों की जलालत हो रही है सोशल मीडिया के ऊपर। ठीक है, देखें आप इंडिया से तो कंपेयर कर नहीं सकते, तो अगर इस तरह की आजादी है, एग्जाम्पल मैं कम्प्लीट कर लूँ, अगर इस तरह की आजादी है तो फिर इस तरह की आजादी हमें नहीं चाहिए, फिर आप हमें इंडिया से वापस मिला दें। अच्छा, एग्जैक्टली इंडिया से वापस मिला दें तो शायद एटलीस्ट हम लोग तरक्की याफ्ता तो होंगे ना यार। आपके हुक्मरान आपको कह रहे हैं आजादी कर रहे हैं, आजादी कोई नहीं है, ठीक है, इससे बेहतर इंडिया बहुत आगे है। एटलीस्ट उनके हुक्मरान जैसे भी हैं, चोर हैं चक्के हैं, लेकिन अपने मुल्क के लिए अच्छा सोच रहे हैं, अपनी आवाम को रिलीफ दे रहे हैं। महंगाई कहाँ नहीं है, महंगाई हर जगह पे है, लेकिन एक लेवल पे है, ठीक है, एक लेवल पे है, हर चीज को चेक एंड बैलेंस भी है, सिस्टमाइज लाया जा रहा है। यहाँ पे कोई सिस्टम नहीं है, यहाँ पे बनाना रिपब्लिक है, जिसको बोलने तो दिया नहीं जाता, वो तो आपको पता है, आप भी नहीं खुल के बोल सकते, ठीक है, ठीक है, आप भी वही बात करेंगे जिससे आपका चैनल बंद ना हो जाए। अगर यही रेशो रही तरक्की की तो फिर मेरे ख्याल से आपका बांग्लादेश भी तरक्की याफ्ता हो गया, आपका अफगानिस्तान का भी इस टाइम 3 रुपए का, पाकिस्तानी 3 रुपया उनका 1 रुपया, ठीक है, बांग्लादेश का आपका तकरीबन कोई 2-2.5 रुपए है वहाँ के, और आपका 1 रुपया है, इंडिया का भी तकरीबन 3.5-4 रुपए, आप कहाँ खड़े, हमारे 3.5-4 अपना, आप फिर अपना कंपैरिजन ना करें, ठीक है, नहीं कंपैरिजन ना करें, लेकिन हम सीख भी नहीं सकते, हम इंडिया से सीख नहीं सकते, हम बांग्लादेश से सीख नहीं सकते।
सर देखें, अल्लाह ताला ने फरमा दिया है कि जैसी राया वैसा हुक्मरान। ठीक है, हमारे यहाँ के कुछ लोग अच्छे नहीं हैं। ठीक है, लोग अच्छे नहीं हैं, उसके बाद जिनको हम चूज़ करते हैं, तो डेफिनेटली देखें, आपके जब हुक्मरान ने आपको रोटी कपड़े मकान में फंसा दिया तो हम रेवोल्यूशन नहीं ला सकते, रेवोल्यूशन नहीं ला सकते, क्योंकि जब तक हम लोग इन चीज़ों से निकलेंगे नहीं तो रेवोल्यूशन नहीं आएगा। ठीक है, तो हम लोग फंसे हैं, हमने अपने घरों को सपोर्ट करना है, हमने अपने घर चलाने हैं, तो हम लोग फंसे हैं। आते हैं बाजा लेने के लिए, हम चाहते हैं कि इनके ऊपर पाबंदी होनी चाहिए, बाजों के ऊपर। तो बाजे तो आप खुद बेच रहे हैं? बेच नहीं रहे, हम तो शुगर लगा रहे हैं बस, क्या क्या इसको बंद किया जाए बस। ठीक है, आप क्या कहेंगे, पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा हम सुनते रहे, लगाते रहे, आज जिंदाबाद है, जिंदाबाद रहेगा, पर भागने वाली बात किसी भी मुल्क पे आती है, बड़ी मुश्किलें आती हैं, पर इसका यह मतलब नहीं है कि अपना मुल्क छोड़ दो। जबरदस्त, ठीक है, किसी भी हालत में मुल्क नहीं छोड़ना। ठीक है, कायदे आजम ने मुल्क छोड़ा था, बाहर चले गए, लामा इकबाल ने बुलाया। अच्छा, किसी बच्चे को हिस्ट्री का नहीं पता, हिस्ट्री कायदे आजम भी जिंदा भाग हो गए थे, भागे थे वो, वकालत बाहर करने चले गए, बाहर सेटल थे, लामा इकबाल ने बुलाया, उनमें हिम्मत थी, उन्होंने मेहनत की, कोशिश की, पाकिस्तान बनाया, कोई मसला नहीं। मुल्क के हालात खराब हैं, इससे भी बदतर होते हैं, जंगे होती हैं, पर जो मुल्क छोड़ना है वो बुजदिली है। ठीक हो, ठीक है, यहाँ पे मेहनत करो, ठीक है, लगन से, ईमानदारी से। लोगों का ये कहना है, मतलब यूथ खास तौर पे जो पढ़े लिखे नौजवान है, वो ये कह रहे हैं यार हम इतना पढ़ते हैं फिर यहाँ पे जॉब नहीं मिलती, यहाँ पे करप्शन बहुत ज्यादा है, इसलिए पाकिस्तान से जिंदा भाग। वो तो ये बात उनका राइट है कि उन्होंने मेहनत की है, उनको जॉब नहीं मिल रही है। ये हम अपनी हुकूमत से रिक्वेस्ट करेंगे कि इस पे एक्शन लिया जाए। 76 साल में हमने क्या किया ऐसा कि हम कहें कि पाकिस्तान जिंदाबाद? 76 साल में ना ये बाजा बना दिया है गैर कानूनी, इसको तो सबसे पहले बंद कराना चाहिए, हुकूमत को चाहिए एक्शन ले, एक बाजा बंद कराए, एक ये जो पाकिस्तान के छोटे झंडे, मतलब कि इतने तरह झंडे बेचते हैं, इनको बंद कराया जाए। उसकी क्या वजह है? उसकी वजह यह है कि बेहुरमती होती है, इनको इस झंडे की कदर का नहीं पता। ठीक है, हमारी आर्मी इस झंडे की कदर का सिर्फ उनको पता है जो बॉर्डरों पे खड़े हैं, मरते हैं इस झंडे की इज्जत के लिए। जो बड़ा झंडा है, देखें, बड़ा झंडा बेचे जो छतों पे लगाते हैं। दोस्तों आपने ये वीडियो देखा और पाकिस्तानी अवाम के रिएक्शन देखे, पाकिस्तानी अवाम जिस तरह से अब जागरूक हो चुकी है, उनको पता चल चुका है कि पाकिस्तान में जो सरकार है वो एक कठपुतली है। पाकिस्तान में आए दिन आपको कुछ न कुछ नया देखने को मिलता है। आज के दिन की बात करें तो फॉर्मर डीजी आईएसआई फैज हमीद को गिरफ्तार कर लिया है आर्मी ने और इन पर कोर्ट मार्शल चलाया जाएगा। दूसरी न्यूज है कि तालिबान ने पाकिस्तान के 3 जगहों पे अटैक कर दिया है, ताबड़तोड़ बमबारियां हो रही है, और वहीं पाकिस्तान ने भी दावा किया है कि उसने अपने एरोप्लेन्स बॉर्डर के आसपास भेज दिए हैं, बोले तो सर्विलेंस के लिए भेजे हैं। और साथ ही साथ तुर्कम बॉर्डर, जिसको अफगानिस्तान के लोग मानते हैं कि वो जगह उनकी है, क्योंकि बॉर्डर से आगे का एरिया पाकिस्तान को लगता हुआ एरिया अफगानिस्तान के लोग अपना मानते हैं, और वो चाहते हैं कि पाकिस्तानी फौज, पाकिस्तान के जो लोग हैं वहां से पीछे हट जाए। वहां पर तालिबान अपना कब्जा करना चाहता है, बोले तो अपनी जमीन वापस लेना चाहता है। इसी के अलावा बलूचिस्तान में भी काफी बड़ा अटैक देखने को मिला है। तो पाकिस्तान में आए दिन आपको कुछ न कुछ नया देखने को मिलता है, तो ग्रोथ होगी कैसे? जब बात आती है आईसीसी चैंपियनशिप ट्रॉफी की, तो पाकिस्तान के लोग चाहते हैं, पाकिस्तान का क्रिकेट बोर्ड चाहता है कि दुनिया के क्रिकेट टीम्स लाहौर आके क्रिकेट खेले। सेफ्टी कंसर्न की वजह से कोई भी पाकिस्तान आज जाना नहीं चाहता। इवन आपने ये न्यूज भी सुनी होगी, कुछ दिन पहले पाकिस्तान में एक टूरिस्ट जो कि एयरपोर्ट पर साइकिल से जा रहा था, उसको बुरी तरीके से लूट लिया गया। जर्मनी से आया हुआ यह टूरिस्ट किस तरह से दहाड़े मारकर रो रहा था, देखने लायक था, हृदय विदारक था। वहीं बांग्लादेश में हिंदुओं पे जो अत्याचार हो रहे हैं उसको देखकर पाकिस्तानी काफी खुश भी हैं, लेकिन तालिबान ने जिस तरह से पाकिस्तानियों की बैंड बजा रखी है काबिले तारीफ है। और साथ ही साथ एक अज्ञात हमलावर भी एक्टिव हो चुका है, क्योंकि बलूचिस्तान प्रांत के अंदर कुछ शूटिंग्स भी देखने को मिली है। दोस्तों पाकिस्तान का ये हाल ऐसे क्यों हुआ है? क्योंकि पाकिस्तान ने अपने देश में दूसरे देशों को इंटरफेयर करने की इजाजत दी है। अगर पाकिस्तान के लोग देशभक्त होते, जिस तरह से हसीना देशभक्ति, उन्होंने अमेरिका को अपनी जमीन का एक इंच भी नहीं देने दिया, उसके एवज में उसको भुगतना पड़ा तख्ता पलट, वही इमरान खान को भी भुगतना पड़ा, और आज इमरान खान जेल की सलाखों के पीछे हैं।
पाकिस्तान को चाहिए कि वो अपने देश के लिए स्ट्रांग स्टेप्स उठाए, जिस तरह से नरेंद्र मोदी सरकार में नरेंद्र मोदी अपना स्ट्रांग स्टेप उठाते हैं और किसी से भी अपने आंतरिक मामलों में दखलअंदाजी नहीं चाहते हैं। अगर पाकिस्तान भी ऐसा कुछ करता है तो पाकिस्तान कहीं ना कहीं स्टैंड आउट कर जाएगा। वाकई में पाकिस्तान के लोग अपने देश छोड़कर बाहर जाना चाहते हैं। वो कहते हैं कि 1947 जैसे हालात अगर होते हैं, हमें किसी भी देश के बॉर्डर खुले मिल जाते हैं तो हम वहां पर दौड़े दौड़े चले जाएंगे। कहने का मतलब है कि अगर भारत उनको बुलाता है तो सिर पैर पकड़कर सीधा भारत में घुस जाएंगे, और अगर भारत वीजा देता है तो वो इंडिया में आकर जॉब करना चाहते हैं, इंडिया में आकर पढ़ाई करना चाहते हैं। लेकिन पाकिस्तान के लोगों के लिए, पाकिस्तान की अवाम के लिए भारत ने अभी तक ऐसे कोई सेवाएं सोची नहीं है। आपके क्या विचार है, क्या पाकिस्तानियों को भारत आने की इजाजत देनी चाहिए? जरूर कमेंट कीजिएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं चैनल को भी सब्सक्राइब करें। हम आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय श्री।